सुप्रभात बच्चों, आज हम लेक्चर एक कक्षा छठी विषय हिंदी वसंत भाग एक पुस्तक से पाठ चार चांद से थोड़ी सी गप्पे पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इस कविता में एक 11 साल की बालिका के रूप में चांद को देखकर मन में उठने वाली भावनाओं को प्रकट किया गया है। बच्चों देखिए, तो हमारी कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पे। गप्पे अर्थात बातचीत, मजेदार बातें। बच्चों, इस कविता में कवि ने 10-11 साल की एक लड़की की कल्पना को प्रकट किया है कि वह पूर्णिमा के गोलमटोल चांद के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए क्या कहती है। चांद गोलमटोल है पर तिरछा नजर आता है। वह बालिका कहती है कि चांद गोलमटोल है पर फिर भी वह तिरछा नजर आता है, और उसने चारों ओर इस फैले हुए आकाश को चादर के रूप में पहन रखा है। केवल उसका गोल गोरा चिट्टा मुंह ही नजर आता है, और उसका यह वस्त्र चारों दिशाओं में फैला हुआ है। बच्चों, इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। अब हम पढ़ते हैं इस कविता के कवि का परिचय। देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी तार सप्तक, चुका भी नहीं हूं, इतने पास, उदिता, और इन्हीं प्रमुख रचनाओं में से एक रचना थी चांद से थोड़ी सी गप्पे। इनका निधन 12 मई 1993 को हुआ, तो इनका जीवन काल बच्चों 82 वर्ष का था। इन्होंने अनेक प्रसिद्ध रचनाएं लिखी और उन्हीं रचनाओं में से आज एक कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, शब्द अर्थ। इस कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उन शब्दों के अर्थ देखिए। कुल सारा, कुल सारा। स्मित दिशा, स्मित दिशा। गोकी यद्यपि। दम सांस। बुद्धू बेवकूफ। निरा पूरा। मर्ज बीमारी। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10-11 साल की लड़की चांद को देखकर क्या सोचती है, उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। तो कविता की पंक्तियां देखिए बच्चों। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो बच्चों, एक 10-11 साल की लड़की चांद को देखकर अपने मन में उठती हुई कल्पनाओं का वर्णन करते हुए कहती है कि आप खूब गोल हैं, मुझे पता है, फिर भी आप तिरछे नजर आ रहे हैं। आपने इस पूरे आकाश को चादर के रूप में पहन रखा है, और यह तारों जड़ा जो आकाश है उसे ओढ़कर ऐसा लगता है कि केवल आपका मुंह जो गोरा चिट्टा और गोल मटोल है केवल वही दिखाई दे रहा है। देखिए, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा।
आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो बच्चों इसकी व्याख्या देखिए, आप तो खूब गोल हैं पर आप जरा सा तिरछे दिखाई पड़ते हैं। आपने आकाश को वस्त्र के रूप में पहना हुआ है। आसमान में चमकते सितारे जो तारे हैं वो कपड़ों पर सितारों की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। आपका सारा शरीर वस्त्र रूपी आकाश से ढका हुआ है क्योंकि आकाश जो है वो चारों दिशाओं में फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि आपका जो शरीर है इस आकाश रूपी वस्त्र में ढका हुआ है। केवल आपका गोरा सुंदर गोल मुंह ही दिखाई देता है। तो बच्चों उस चादर में से केवल चांद का गोरा सुंदर और गोल मुंह ही दिखाई देता है। आगे देखिए बच्चों कविता की पंक्तियां। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की वाह जीवा, खूब है गो की वाह जीवा, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। तो बच्चों इन पंक्तियों में कवि कहता है कि ऐसा लगता है जैसे अपने इस पोशाक को, इस आकाश रूपी पोशाक को आपने अपनी चारों दिशाओं में फैला रखा है। आप कुछ तिरछे नजर आ रहे हैं जाने कैसे, कि हम नहीं जानते आप तिरछे कैसे नजर आ रहे हैं। वाह जी वाह, आपने तो हमें बेवकूफ ही समझ लिया है। तो बच्चों यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जैसे आप कुछ तिरछे नजर आ रहे हैं हम जानते ही नहीं हैं, हमें तो आपने बुद्धू समझ रखा है पूरा। तो निरा पूरा और बुद्धू बेवकूफ। देखिए व्याख्या, आपकी पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। चांद आप थोड़ा सा तिरछे दिखाई देते हो यद्यपि आप भी खूब हैं। अरे वाह, आपने तो हमें बेवकूफ बना रखा है जैसे कि हमें पता ही नहीं। तो बच्चों कवि कह रहे हैं कि चांद की पोशाक जो है आकाश रूपी पोशाक वो चारों दिशाओं में फैली हुई है और चांद जो तिरछा दिखाई दे रहा है जैसे हमें इसके बारे में पता ही नहीं है कि इसने तो हमें बेवकूफ बना रखा है, हम जैसे जानते ही नहीं हैं कि आप तिरछे दिखाई दे रहे हैं। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। देखिए कवि कह रहे हैं कि जैसे हम जानते ही नहीं कि आपको तो घटने और बढ़ने की बीमारी है, आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं जब तक कि पूरे पतले नहीं हो जाते, और जब आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं जब तक कि आप पूरे गोल नहीं हो जाते। देखिए व्याख्या, हम भी आपको खूब समझते हैं कि आपको बीमारी है, आप घटते हो तो बस घटकर बिल्कुल ही पतले हो जाते हो और जब बढ़ते हो तो बढ़कर गोल हो जाते हो। यानी कवि कह रहे हैं कि हम आपकी इस बीमारी को जानते हैं कि जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और जब तक कि पूरे पतले नहीं हो जाते तब तक नहीं रुकते, और जब आप बढ़ते हैं तो तब तक बढ़ते चले जाते हैं जब तक कि आप पूरे गोल नहीं हो जाते। यानी जब घटते हो तो घटकर बिल्कुल पतले हो जाते हो और जब बढ़ते हो तो बढ़ते बढ़ते पूरे गोल हो जाते हो। हम आपकी इस बीमारी को अच्छी तरह समझते हैं। आगे देखिए बच्चों, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए,
दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में। तो कवि कह रहे हैं कि आप जब तक पूरे गोल नहीं हो जाते हैं तब तक आप बिल्कुल भी दम नहीं लेते हो, यानी आप जब तक पूरे गोल नहीं हो जाते तब तक आप बढ़ते चले जाते हो, और आपकी यह बीमारी जब तक कि पूरी तरह सही नहीं हो जाती तब तक आप इसमें ही लगे रहते हो, अर्थात जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते तब तक आप इस घटने और बढ़ने की प्रक्रिया में लगे रहते हो। देखिए व्याख्या, जब बढ़ते हो तो बढ़कर पूरी तरह गोल मटोल हो जाते हो। आपकी यह बीमारी तो ऐसी है जो कभी भी ठीक होने को नहीं आती है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात की गई है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में चांद घटता और बढ़ता रहता है। बच्चों जब अष्टमी से पूर्णिमा के बीच का समय होता है उस समय पर चांद धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में पूरा गोल हो जाता है, और प्रथमा से अष्टमी के बीच का जो कृष्ण पक्ष का समय है तब चांद का आकार धीरे धीरे घटने लगता है। तो बच्चों इस तरह से चांद घटता और बढ़ता रहता है, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि चांद को घटने और बढ़ने की बीमारी है बच्चों, और यह आपकी जो बीमारी है यह ठीक होने में भी नहीं आती है। आगे देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की, इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न। प्रश्न एक, चांद गोल होकर कैसा नजर आता है? उत्तर, चांद गोल होकर गोरा चिट्टा व गोल मटोल नजर आता है, यानी चांद जब गोल हो जाता है तो वह गोरा चिट्टा और गोल मटोल नजर आता है। प्रश्न दो, चांद को क्या बीमारी है? अभी मैंने आपको बताया कि चांद को घटने व बढ़ने की बीमारी है, तो चांद को क्या बीमारी है? चांद को घटने और बढ़ने की बीमारी है। आगे देखिए बच्चों, लड़की ने चांद के घटने व बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा है? तो उत्तर देखिए बच्चों, लड़की ने चांद के घटने व बढ़ने की प्रक्रिया को बीमारी कहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि चांद को घटने और बढ़ने की बीमारी है, तो इस घटने और बढ़ने की प्रक्रिया को लड़की ने क्या कहा? बीमारी। तो प्रश्न चार देखिए बच्चों, चांद ने क्या पहन रखा था? चांद ने आकाश रूपी चादर पहन रखी थी, जैसा कि मैंने अभी कविता के समय पर बताया कि चांद ने आकाश रूपी तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ रखी थी। तो बच्चों चांद ने आकाश रूपी चादर पहन रखी थी। तो बच्चों अब हम बात करेंगे गृह कार्य संबंधित प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। खै भाग देखिए, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, यानी ये कविता की पंक्ति थी कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कै या खै भाग में से किसे कह रहा है, यानी तुम इन दोनों में से किसे सही मानते हो। आगे देखिए बच्चों प्रश्न, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो बच्चों यहाँ कवि ने पूछा है कि चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी, और उनकी बातों से हमें यह भी बताना है कि क्या कारण था। तो यहाँ पूछा है उन्होंने पूर्णिमा के दिन का और अष्टमी से पूर्णिमा के बीच का समय और प्रथमा से अष्टमी के बीच का समय। आगे देखिए बच्चों, चांद पर सबसे पहले कौन गया, उनका नाम लिखिए। तो हमारी इस धरती से चांद पर सबसे पहले
कौन गया था उसका नाम लिखना है। और प्रश्न चार है आपका, भारत की उस महिला का नाम लिखिए जो अंतरिक्ष में जा चुकी है, यानी भारत की वह महिला जो अंतरिक्ष में जा चुकी है। तो बच्चों यह है आपका गृह कार्य, आपको एडक्वा की साइट से इसका गृह कार्य भी मिलेगा और सॉल्यूशन भी। आपको गृह कार्य देखकर इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे आपकी परीक्षा के हल की। देखिए आज एडक्वा की साइट पर परीक्षा का हल भी अपलोड होगा, पर जरा हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्रश्न एक है, संधि विच्छेद किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है, संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग-अलग करके पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। तो संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग-अलग करके पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। विच्छेद का अर्थ होता है बेटा टुकड़े करना। अगला प्रश्न है, स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। चाहे वो ह्रस्व का ह्रस्व से मेल हो या दीर्घ स्वर का दीर्घ स्वर से, जब उनमें परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैंने आपको तीनों संधि पढ़ाई बच्चों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों संधि कीजिए। यहां पर संधि विच्छेद किया हुआ है शब्दों में, आपको उनकी संधि करनी है। तो बच्चों नंबर एक, मत जमा अनुसार, ये स्वर संधि का उदाहरण है बच्चों। यहां पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए होगा और दूसरी तरफ दाईं तरफ का पहला वर्ण ए, और जब हम इनमें जोड़ते हैं तो दीर्घ बन जाता है। ह्रस्व का ह्रस्व से हो या ह्रस्व का दीर्घ स्वर से हो तो वो दीर्घ हो जाता है। तो बच्चों मतानुसार, तो मत जमा अनुसार, मतानुसार। परि जमा ईक्षा, तो यहाँ ई ह्रस्व और यहाँ दीर्घ ई, ये फिर भी बन जाएंगी दीर्घ। तो परि जमा ईक्षा परीक्षा, तो बच्चों परीक्षा। देव जमा इंद्र, तो बच्चों यहां ए और ई का मिलन होगा तो देव जमा इंद्र देवेंद्र। अगला है बच्चों सप्त जमा ऋषि, यहां सप्त में ए ऋषि का रे, ए और रे मिलकर अर हो जाते हैं। तो बच्चों सप्त जमा ऋषि सप्तऋषि। आगे है यदि जमा अपि, तो यदि ई और ए मिलकर ई का यह हो जाना, ई को यणचि का नियम लगा है बच्चों। यदि जमा अपि यद्यपि। पो जमा अन, तो बच्चों ओ का ऐसे मिलन हुआ तो वह हो गया, तो पवन। अगला प्रश्न, दिए गए संधि विच्छेदों से शब्द बनाइए। वाक जमा ईश, जगत जमा ईश, शट जमा मुख, अनु जमा छेद, सम जमा मोहन, प्र जमा नाम। तो बच्चों यहां व्यंजन संधि के शब्द हैं, तो
तो वाक जमा ईश, कै का ई से, व्यंजन का स्वर से मेल है, कै का ये कौन सा हो जाएगा तीसरा वर्ण, कैसे गय, तो कै का गय हो जाना, तो वाक जमा ईश वागीश, और जगत जमा ईश तय का दय हो जाने का नियम, यानी तय वर्ण का तवर्ग का तीसरा। तो बच्चों जगत जमा ईश जगदीश, षट जमा मुख षण्मुख, यहाँ पांचवा वर्ण हो जाना टवर्ग का षण्मुख। अनु जमा छेद अनुच्छेद, अनुच्छेद। सम जमा मोहन, बच्चों जब मैं का मैं से मेल होता है तो वो बदलता नहीं है, वो उसी प्रकार मैं हो जाता है, तो सम जमा मोहन सम्मोहन। प्र जमा नाम प्रणाम, प्र जमा नाम प्रणाम। देखिए बच्चों प्रश्न 6 है आपका, संधिस्त शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर संधिस्त शब्द है, आपको उन संधिस्त शब्दों का संधि विच्छेद करना है। और बच्चों इस प्रश्न में विसर्ग संधि से संबंधित शब्द दिए हैं, तो देखिए मनोरंजन, मनोबल, निष्कलंक, नीरस, दुर्जन, नमस्ते, तो बच्चों ये शब्द दिए हैं, हमें इनका संधि विच्छेद करना है। तो मनोरंजन का संधि विच्छेद होगा मनेह जमा रंजन। बच्चों यहाँ विसर्ग संधि का नियम लगा है, जिसमें विसर्ग का ओ हो जाने का नियम है, तो मनेह जमा रंजन, मनोबल का मनेह जमा बल। बच्चों यहां भी विसर्ग का ओ हो जाने का नियम लगा है। अगला शब्द है बच्चों निष्कलंक, यहाँ निहि जमा कलंक, विसर्ग का सह शय हो जाने का नियम लगा है, तो बना निहि जमा कलंक। आगे है बच्चों नीरस, तो यहां बनेगा निहि जमा रस, विसर्ग का नियम लगा है, विसर्ग से दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग करते हुए, तो निहि जमा रस, तो बना नीरस। आगे है दुहु जमा जन, तो बच्चों यहां विसर्ग का रह हो जाने का नियम लगा है, तो दुहु जमा जन से बनता है दुर्जन। और आगे है आपका नमस्ते, नमः जमा ते, तो बच्चों नमः जमा ते। तो एक बार और देखिए मनोरंजन, मनः जमा रंजन, मनोबल, मनः जमा बल, निष्कलंक, निहि जमा कलंक, नीरस, निहि जमा रस, दुर्जन, दुहु जमा जन, नमस्ते, नमः जमा ते। तो बच्चों ये है आपका परीक्षा का हल, जो संवाद और संधि की 20 अंक की परीक्षा आपकी एडक्वाक की साइट पर दी गई थी। उसमें बच्चों एक प्रश्न आपका संवाद लेखन भी था। बच्चों उस परीक्षा का हल, उस प्रश्न का हल आपको अपनी एडक्वाक की साइट से देखकर चेक करना है। इस तरह बच्चों 6 प्रश्नों के उत्तरों के विषय में मैंने आपको बता दिया, एक प्रश्न आपको वहां से चेक करना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलेंगे हम आपको अपने अगले व्याख्यान में। बच्चों आपका अगला व्याख्यान होगा हिंदी व्याकरण पाठ 4 शब्द विचार। और उस अगले व्याख्यान से पहले बच्चों आज के लिए
बस इतना ही। आप हमारी इन वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और इस एडक्वाक चैनल को, जो यूट्यूब पर आपका एडक्वाक चैनल है, उसे सब्सक्राइब करो। बच्चों, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद बच्चों।